हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब आज की जो अपनी मैप क्लास है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्केल किस तरीके से बनाई जाती है। मैप के अंदर आप देखना, एक स्केल होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो मैं आज का जो वीडियो है उसके अंदर ये बताऊंगा कि स्केल किस तरीके से बनाई जाती है। ये अपन दो तीन पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे और साथ के अंदर अपनी जो कश्मीर की क्लास है ना, वो भी अपन कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज से। स्केल, अब स्केल के अंदर क्या होता है, जैसे 1:50,000 है, तो 1 जो है ना वो है इसका न्यूमरेटर। वन जो है वो न्यूमरेटर है, और ये जो 50,000 है ना, ये 50,000 है इसका डिनोमिनेटर। पहली चीज क्लियर हो गई, जो 1:50,000 है इसके अंदर 1 है न्यूमरेटर और 50,000 है डिनोमिनेटर। अब बात आती है कि स्केल होती क्या है, व्हाट इज स्केल। स्केल जो होती है ना, वो दरअसल ये होती है कि आपको ग्राउंड डिस्टेंस जितना है ना आपका, उसको आपको मैप पे दर्शाना है, वो स्केल होती है। इसको बोलते हैं जैसे स्केल। इट इज मेड टू फाइंड ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द मैप। तो स्केल जो होती है ना, वो ये दर्शाती है कि भाई ग्राउंड के ऊपर जो जितना भी एरिया है ना, तो वो मैप पे दर्शाती है कि भाई इतना एरिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर है। स्केल इसीलिए होती है, और स्केल देख करके ही अपन समझ जाते हैं कि भाई ये लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है, मैप कौन सा है, वो अपन स्केल देख के समझते हैं। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है स्केल बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापने का क्या सिस्टम है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, तो MI का मतलब है इसके अंदर माइल्स, FUR का मतलब है फरलोंग, YAR का मतलब है यार्ड, फीट और इंचेस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब 1 माइल के अंदर 8 फरलोंग होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं। 1 माइल के अंदर 1760 यार्ड होते हैं। 5280 फीट होती है 1 माइल के अंदर, और 63360 ये इंचेस होते हैं 1 माइल के अंदर। 63360 होते हैं ना, 1 माइल में 8 फरलोंग होते हैं, 1 माइल के अंदर 1760 यार्ड होते हैं, 1 माइल के अंदर 5280 फीट होते हैं, और 1 माइल के अंदर 63360 इंचेस होते हैं।
अब एक फरलोंग के अंदर, एक फरलोंग के अंदर 220 यार्ड होते हैं, 660 फीट होते हैं और 7920 इंचेस होते हैं। एक फरलोंग में 220 यार्ड, 660 फीट और 7920 इंचेस एक फरलोंग में। अब एक यार्ड में, एक यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं और 36 इंचेस होते हैं, 36। एक यार्ड में 3 फीट और 36 इंचेस होते हैं। अब एक फीट में, एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में अपन आते हैं किलोमीटर से मिलीमीटर के अंदर। अब यहां मैं लिख रहा हूं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 100 डेकामीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 10000 डेसीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, 10,00,000 मिलीमीटर होते हैं। ये टेबल भी आपको याद रखनी है स्केल बनाने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने दोनों टेबल आपको बताई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन सीखते हैं कि भाई ये बनती कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब इसके अंदर तीन चीजें होती है। जो सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, वो है कन्वर्जन ऑफ स्केल। कन्वर्जन ऑफ स्केल के अंदर क्या है, अब क्वेश्चन ऐसा है कन्वर्ट स्टेटमेंट ऑफ स्केल ऑफ 1 inches रिप्रेजेंट 4 miles इंटू RF। यानी आपको जो है ना, आपको RF निकालना है इसके अंदर। 1 inch रिप्रेजेंट करता है 4 mile, तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, RF निकालना है। तो पहले अपन RF निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये इसका सॉल्यूशन देखो ऐसा होगा, 1 inch बराबर क्या बोल रहा है ये, 4 mile। 1 inch बराबर बोल रहा है 4 mile। तो 1 mile के अंदर कितने इंचेस हुए, 63360 इंचेस हुए। 1 mile के अंदर 63360 इंचेस हुए, ठीक है। तो अगर अपन इस माइल को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 1 inch क्या हुआ, 4 into 6 3
360, क्योंकि अपने को माइल को भी इंच में कन्वर्ट करना है। अगर आप आरएफ निकाल रहे हो तो इंच इंच में पूछा है तो इंच में ही निकालना पड़ेगा, एक इंच है तो वो दूसरा भी इंच में ही निकालना पड़ेगा। तो 63360, तो 4 × 63360 कितना हो गया, 1 इंच बराबर हो गया 253440 inches। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट, इसको यूनिट बोलेंगे अपन। अब तो यूनिट कैसे होगी, तो इंचेस की जगह अपन यूनिट लिखेंगे, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट 253440 unit। समझ में आई कहानी, तो ये हुआ 1:253440, ये हुआ इसका आरएफ। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको और एग्जांपल देके बताता हूं। अब दूसरा है, अपने को आरएफ ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या है, 5 centimeter रिप्रेजेंट करते हैं 10 किलोमीटर को, 5 centimeter 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने को आरएफ निकालना है, फाइंड आउट आरएफ। अपने को आरएफ निकालना है, तो आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ का फॉर्मूला होता है, आरएफ का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। आरएफ का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये आरएफ का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा अपना। अब इसने बोला है 5 centimeter रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, तो 5 centimeter किसके ऊपर है, मैप के ऊपर है, यानी 5 centimeter जो है मैप के ऊपर वो दर्शा रहा है 10 किलोमीटर ग्राउंड पे। तो इसका होगा आर एफ इक्वल टू 5/10, तो ये हुआ 1/2। तो इसके अंदर 1 centimeter जो है ना वो आपको बता रहा है 2 किलोमीटर। तो अगर अपन अब 1 centimeter जो है वो 2 किलोमीटर बता रहा है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरएफ के अंदर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं ना वो दोनों को अपने को एक ही वैल्यू रखनी होती है। सेंटीमीटर अगर नॉमिनेटर के अंदर है तो सेंटीमीटर भी डिनोमिनेटर के अंदर ही होना चाहिए। तो अब आप वही टेबल देखना कि भाई एक जो सेंटीमीटर है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं, 1 लाख, तो 2 किलोमीटर का कितना हो गया, 1 centimeter इक्वल टू 2 लाख। तो आंसर हो गया इसका 1:2 lakh, ये हुआ इसका आरएफ। तो ये फॉर्मूला याद रखना आरएफ निकालने का। तीसरा एग्जांपल मैं और समझाता हूं आपको। अब इसमें बता रखा है कि इसमें 2 inch = 4 mile दे रखा है,
इसके अंदर अपने को आरएफ निकालना है, इसका अपने को आरएफ निकालना है। तो एक इंच के तो एक माइल के अंदर कितने इंचेस होते हैं, एक के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 63360, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, पर इसके अंदर अब फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कैसा, वही अपना आरएफ वाला, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो इसके अंदर ये आएगा 2/4, 1/2 हो गया। तो एक इंच के अंदर 3660 इंचेस होते हैं एक माइल के अंदर। तो दो में कितने होंगे, दो के अंदर होंगे, दो के अंदर होंगे 2 × 63360। तो एक इंच बता रहा है 126720 इंचेस। तो इसका आरएफ हुआ 1:126720, ये इसका आरएफ हुआ। फॉर्मूला हर जगह लगेगा, फॉर्मूला लगाए बिना तो ये बनेगा ही नहीं, फॉर्मूला हर जगह लगेगा, फॉर्मूला हर जगह लगेगा। अब लास्ट एग्जांपल में मैं आता हूँ, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन जो है अपना, एक और जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर है वन इंच रिप्रेजेंट वन यार्ड, वन इंच रिप्रेजेंट वन यार्ड। तो इसके अंदर आरएफ का फॉर्मूला लगेगा वापस। तो आरएफ क्या हुआ, वन इंच अपॉन, अब एक इंच में कितने यार्ड होते हैं, 36। होते हैं एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। तो वन इंच इक्वल टू 36 इंच। तो आरएफ हुआ इसका 1:36, ये इसका आरएफ हुआ, ये इसका आंसर हुआ। एक और एग्जांपल समझ लो, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है ना, ये आपको 100 मीटर बोल रहा है। तो 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हुए, 10,000 सेंटीमीटर हो गए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 1:1 ये होगा इसका आरएफ। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले के बिना काम नहीं होगा आपका, हर जगह फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आरएफ का यही होता है, सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि डिस्टेंस अपॉन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये होता है। और अगर वो सेंटीमीटर के अंदर मांग रहा है तो सेंटीमीटर के अंदर ही, मतलब किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, इनमें आएगा ना, तो आपको आरएफ सेंटीमीटर के अंदर ही निकालना है। और अगर
अगर आपका आता है माइल्स या फरलोंग या यार्ड, तो उसके अंदर आपको इंचेस के अंदर निकालना है, ये बात ध्यान रखना। माइल्स, फरलोंग, यार्ड, फीट के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आरएफ निकलेगा इंचेस के अंदर, और किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर इनके अंदर होगा तो वो सेंटीमीटर के अंदर निकलेगा। ये 99% इसी तरीके से होता है, यही तरीका है इसको करने का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन जो है ना वो पता करेंगे कि भाई आरएफ दे रखा है तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होगा। अगर आपको आरएफ दे रखा है तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल कैसे निकलेगा कि भाई एक सेंटीमीटर बराबर ये कैसे निकलेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल बनाता हूँ, इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।